धम्मपद गाथा कथा नंबर 30 या 2.10। ये अपमद जो अपमाद वग्गो है उसकी गाथा नंबर 10 है। गाथा एक लिच्छवी का जो राजकुमार है जिसका नाम महाली है, वो एक पसंद करता है कूटागार में जो वैशाली का कूटागार है। भगवान बुद्ध से वो प्रश्न करता है, प्रश्न इस प्रकार करता है कि एक राज मजदूर मिस्त्री है जो मकान छप्पड़ झोंपड़ी बनाने का काम करता है, उसका नाम मघा है। मघा एक साधारण सा काम करने वाला साधारण बुद्धि का एक व्यक्ति होता है और वो मनुष्य से देवताओं में पहुंच जाता है और देवताओं में श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सेठी हो जाता है। तो जो मचाली का जो लिच्छवी का राजकुमार है मचाली, उसे बड़ी जिज्ञासा होती है और वो भगवान बुद्ध से पूछता है, तथागत बुद्ध से, भंगी बुद्ध से पूछता है कि ये कैसे संभव है। तब भगवान बुद्ध एक देशना देते हैं और वह बताते हैं कि 7 बातें जो करता रहता है वो साधारण मनुष्य से देवताओं में शुमार हो जाता है और देवताओं में भी वो श्रेष्ठ यानी कि अच्छा देवता बन जाता है। पहले ये समझ लें कि पाली के अंदर, पुरानी भाषा के अंदर, भारत के अंदर मनुष्य और देवता में अंतर क्या है। जितने भी जीव पैदा होते हैं उन जीवों में जो 2 पाए हैं यानी कि 2 पैर से चलने वाले जो हम हैं, जो बंदर से मनुष्य बने हैं, वो सारे के सारे जब उनका चेतना जग गई और उनका प्रज्ञा बढ़ गई, समझ बढ़ गई, तो उन्होंने अपने लिए जो शब्द बनाया वो मनुष्य शब्द बनाया। मनुष्य में नर और नारी दोनों आते हैं, मगर मनुष्य में भी जो प्रज्ञावान होता है, प्रज्ञा को जगा लेता है, समझ को जगा लेता है, अनुभव पे आधारित समझ को सीख लेता है, वो मनुष्य से देवता हो जाता है। यानी मनुष्य तो सभी हैं, मगर देवता वही होते हैं जो प्रज्ञा को जगा लेते हैं और प्रज्ञा के साथ काम करते हैं, समझ के साथ। इसको साधारण भाषा में कहें कि जो पंचशील पे चलने वाले लोग हैं, जिनकी प्रज्ञा जाग जाती है, जिनको प्रज्ञा की समझ आ जाती है, वो 5 सील, 5 जो नियम हैं जो बताए गए हैं भगवान बुद्ध ने, उन पे चलते हैं और ऐसे लोगों को देवता या ऐसी नारी को देवी बोला जाता है। यानी देवता और देवी जो होते हैं वो भारत में वही लोग होते हैं जो धम्म के 5 नियम या 5 नियम माने और बेशक बुद्ध के नाम से ना माने, वो भी देवता और देवी में आते हैं। इसलिए कहते हैं प्राचीन भारत में 33 करोड़ देवी देवता रचते और बसते थे। वो 33 करोड़ देवी देवता का मतलब है कि 33 करोड़ सारी भारत में रहने वाले लोगों में वो खास लोग थे जो 5 सील का पालन करते थे और बुद्ध की और धम्म की प्रैक्टिस का अनुपालन या पालन करते थे। यहाँ देशना देते समय भगवान बुद्ध ने 7 बातें कही हैं कि 7 बातें जो कर लेगा वो मनुष्य से देवता हो जजाएगा। 5 सील करे, उसके अलावा 7 बातें और भी हैं। पहली बात है माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा का मतलब ये है कि आप अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर आप माँ और बाप की सेवा करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने अपने माँ बाप की सेवा की है और उनके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया या बड़ा किया या खिलाया पिलाया या पैदा किया है, तो हम अपने पालनहार का, पैदा करने वाले का मान सम्मान करते हैं और उनको सेवा करते हैं। इससे वो प्रसन्न मन से जाते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो इसको ग्रहण करते हैं, इस संस्कार को यानी संखार को, इस नियम को सीखते हैं और ये नेचुरली उनके अंदर चला जाता है। और जब हम बूढ़े होते हैं और जब हम माँ बाप बनते हैं तो वो हमारी भी सेवा में हमें लाभ प्राप्त होता है। एक तरह से हम जो खर्च करते हैं सेवा में वो हमें प्राप्त होता है। अगर हम माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो हमारी भी सेवा नहीं करेंगे। इससे जो मनुष्य के डेवलपमेंट होने का जो नियम है यानी मनुष्य के विकास का जो क्रम है वो टूट जाएगा और मनुष्य जाति संकट में आ जाएगी। इसलिए ये नियम बहुत जरूरी है मनुष्यों को या देवताओं को अपने आप को बचाने के लिए। माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए जिससे कि आपका भी सुख शांति की गारंटी हो सके भविष्य में।
दूसरा नियम है बड़ों की इज्जत करना। बड़ों की इज्जत करने का सीधा सीधा सा, क्योंकि सारा जो धम्म है, सारा जो प्रिंसिपल है जो बुद्ध ने बताया है, वो कर्म सिद्धांत है, यानी कर्म सिद्धांत है, कर्म के ऊपर आधारित है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उस कर्म करने वाले की भी इज्जत करनी चाहिए। पहले यहाँ कर्म की इज्जत है, यानी बड़ा कर्म है, फिर कर्म करने वाले की इज्जत है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम या पर्यायवाची हैं। जो अच्छा काम करता है उसकी इज्जत है, या अच्छे काम की इज्जत है, दोनों की इज्जत होती है। खराब काम करने वाले की ना काम की इज्जत होती है, ना उस व्यक्ति की इज्जत होती है। इसलिए बड़ों की इज्जत का मतलब है कि बड़ों के कर्म का यानी काम का इज्जत करना और उनकी इज्जत करना। कोई अगर खराब काम करता है तो उसकी इज्जत नहीं करना, ये बिल्कुल स्पष्ट है। खराब काम की दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। अगर आप खराब काम की या खराब काम करने वालों की इज्जत करेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा, और फिर सारी दुनिया का चक्र जो नियम है मनुष्य का और देवताओं का, वो सारा टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगी, और मनुष्य की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो संकट में आ जाएगा, और मनुष्य एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। इसलिए खराब काम को कभी भी किसी भी हालत में सम्मान नहीं करना चाहिए, ना ही खराब काम करने वाले व्यक्ति को। हो सके तो उनको निंदा करनी चाहिए, उनकी हमेशा भर्त्सना करनी चाहिए कि ये व्यक्ति खराब काम करता है या ये काम खराब है। तीसरा नियम है मधुर वाणी। वाणी मधुर जो आती है वो मन से आती है। यहाँ जो तीसरा नियम बताया है देशनाम में, अगर कोई व्यक्ति जो साधारण मनुष्य है, अगर वो मधुर वाणी से बात करता है तो सामने वाला उसका कभी अहित नहीं करेगा। हित करे ना करे, हित चाहे करे ना करे, लाभ चाहे करे ना करे, फायदा चाहे करे ना करे, कोई उसे अगर कोई सुख सुविधा देनी है वो दे या ना दे, मगर उसका नुकसान नहीं करेगा, उसका अहित नहीं करेगा, उसका कोई भी खराब चीज नहीं करेगा। इसलिए हमेशा मधुर वाणी से बोलना चाहिए, और जहां ये लगे कि मधुर वाणी बोलने की आवश्यकता से बात नहीं बन रही है तो वहां चुप ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। कर्कश वाणी की आवश्यकता नहीं है, कर्कश वाणी से हमेशा नुकसान होता है। कई बार आदमी दिल में रख लेता है इस बात को और कहीं भी उसको निकाल सकता है, जो आपके नुकसान में आ सकती है। चौथी जो बात उन्होंने बताई, वो बताई चुगली नहीं करना। बेसिकली मूसावादा वीरवाणी में चुगली करना भी आता है, यानी मूसावादा में जब हम सील लेते हैं तो उसमें एक सील ये भी आता है कि चुगली भी ना करें, यानी कि झूठ ना बोलें और चुगली भी ना करें। चुगली करने से, जब आप किसी की चुगली करते हैं तो जिसकी चुगली आपने की है उसका नुकसान हो या ना हो, मगर आपका नुकसान हो जाता है। जिसकी आप चुगली करेंगे उस व्यक्ति को ये पता चल जाता है, सामने वाले को, कि ये आपकी भी चुगली कर सकता है। इसलिए जो चुगलखोर लोग होते हैं उनके मन का पता चलता है कि वो आपकी भी चुगली करेंगे। और अधिकतर इन्हीं सारे केसों में ये होता है कि जो व्यक्ति या जो महिला जिसकी चुगली जिससे करती है, अगली महिला से जाके उस महिला की चुगली करती है जिसको पहले बता के आई है, या जिसको पहले बता के वो पुरुष या जो नर है वो आया है। तो इसलिए चुगली करना बिल्कुल स्पष्ट मना है। व्यवहार या आचरण में शोभनीय होना, व्यवहार या आचरण में शोभनीय होना, ये पांचवा उन्होंने देशनामा नियम बताया कि जो आप व्यवहार करेंगे, ये व्यवहार जो आता है ये कामेशु मिच्छाचारा से भी आता है। जब हम कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि है तो मिच्छा आचार का मतलब होता है मिथ्या आचरण, तो वहीं से ही आया हुआ है कि हमें आचार और व्यवहार में शोभनीय रहना चाहिए, यानी कि सबको सुचिता हो, सबको अच्छा लगे, सबको सुंदर लगे, सबको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि उनके व्यवहार से उनको प्रसन्नता महसूस हुई है, उससे वातावरण बहुत अच्छा रहता है। आपके प्रति जो वातावरण बनता है वो बहुत बढ़िया बनता है। आपका कोई फायदा होना हो मगर कोई आपका नुकसान नहीं करेगा अगर आपका व्यवहार शोभनीय होगा। शोभनीय का मतलब सुंदर होगा, अच्छा व्यवहार होगा। छठा है सच बोलना, क्योंकि ये सारे सील वही हैं जैसे मूसावादा वीरवाणी का, मतलब झूठ नहीं बोलना, इसका उल्टा है सच बोलना। यानी कि सच बोलने से हमेशा जीवन में फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। छोटा मोटा नुकसान सच बोलने से तुरंत हो सकता है, मगर लंबे समय में सच बोलने के ही फायदे होते हैं। नुकसान हमेशा झूठ बोलने से होता है। अगर आप कहीं झूठ बोलते हैं तुरंत कोई फायदा हो सकता है, मगर लंबे समय में आपको हमेशा घाटा या नुकसान उठाना शुरू होगा, पूरे परिवार को और पूरे जो आसपास वातावरण है उसको। इसलिए छठे नंबर पर उन्होंने कहा कि सच बोलना चाहिए। और आखिरी देशनामे सातवें नंबर पर उन्होंने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, या क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। यानी क्रोध जब हम करते हैं या क्रोध जब आता है तो क्रोध आते ही हमारे अंदर की सारी अच्छी फाइलें बंद हो जाती हैं, फिर हम कोई भी काम अच्छा नहीं करते। क्रोध सारी की सारी जितनी भी खराब चीजें हैं उनको खोल देता है, उनको बढ़ा देता है।
ये क्रोध की खास बात होती है। इसलिए कहते हैं कि जब सर पे क्रोध आता है तो वो बुद्धि को हर लेता है, यानी कि वो अच्छी बातों को हर लेता है, उन पर कब्जा कर लेता है। क्रोध और आंधी जब भी आती है वो हमेशा कुछ ना कुछ तहस नहस करके जाएगी, और जब वो शांत होते हैं तब पता चलता है कि क्रोध से या आंधी से क्या नुकसान हुए क्या नहीं हुए। इसलिए क्रोध पे हमेशा काबू करना चाहिए। काबू करने के विपस्ना में बहुत सारे नियम बताए हैं, विपस्ना के बहुत सारे सेंटर हैं, 200 सेंटर हैं, 100 के करीब विदेशों में हैं और 100 यहाँ हैं जहाँ फ्री विपस्ना सिखाई जाती है। www.dhamma.org वेबसाइट है, उस पर आप विपस्ना बाई SN गोयनका जी करके सीख सकते हैं। वहां आप चले जाइए तो आपको क्रोध पे काबू करना काफी हद तक आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार वो 7 चीजें जो देशनाम बताते हैं, इन 7 बातों को जो जीवन में अप्लाई करता है वो साधारण मनुष्य, चाहे कोई भी काम करता हो रोजी रोटी के लिए, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, चाहे किसी भी धर्म का, किसी वर्ग का, दुनिया में किसी भी देश का, किसी मोहल्ले का, पड़ोसी का, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति है, अगर वो ये 7 बातें करता है तो उसका स्तर मनुष्य के स्तर से उठ के देवताओं के श्रेष्ठ स्तर में आ जाता है। ये बात कहने के बाद भगवान बुद्ध ने ये गाथा नंबर 30 कही अपमाद वग्गो की धम्मपद के अंदर, जो इस प्रकार है। अपमादेन मघवा देवानंग सेठ तंग गतो अपमादंग पसंसंति पमादो गर्हितो सदा। अपमादेन मघवा, अपमादेन मघवा का अर्थ है जो अपमादेन यानी जो मघा नाम का लड़का है जो मनुष्य से श्रेष्ठ देवताओं में गिनती में आया और बना, वो अपमाद है यानी कि प्रमाद में नहीं पड़ा है। देवानंग सेठ तंग गतो, देवताओं में वह श्रेष्ठ होता है, यानी कि मघा जो है जो अपमाद में पड़ा हुआ है वो देवताओं में श्रेष्ठ होता है। कब? अपमादंग पसंसंती, अपमादंग पसंसंती, अपमाद जो लोग होते हैं जो प्रमाद में नहीं पड़ते वो चारों तरफ प्रसन्न, उनको पसंद किया जाता है, सभी लोग उनको पसंद करते हैं, ऐसे अपमादी यानी अप्रमादी लोगों को। पमादो गर्हितो सदा, पमादो गर्हितो सदा, जो पमाद में रहते हैं, गर्हितो का मतलब है दोषयुक्त होते हैं या घृणित होते हैं सदा, यानी उनको लोग हमेशा दोषयुक्त मानते हैं या उनको हमेशा घृणा के रूप में देखते हैं। ये गाथा नंबर 30 अपमाद बद्ध कही, इसका सीधा सा मतलब है कि मघा जो अपमाद में रहता है वो सभी देवताओं में श्रेष्ठ होता है, जो पमाद में रहते हैं उनको घृणा से लोग देखते हैं और जो अप्रमाद में रहते हैं वो सभी जगह पसंद किए जाते हैं। धन्यवाद।